और अपना संडे का कैसे चल रहा है? बस चल रहा है, पहुंच नहीं पा रहे भाई। ये चल रहा है मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और मैं जा रहा हूँ संडे राइड पे। आज का अपना संडे राइड होने वाला है थ्रॉटल श्रॉटल कैफे गुड़गांव। आज मेरे साथ जा रहा है रावत, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं आज। और सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं निकल गया हूँ अपने घर से। और शकरपुर का ये मार्केट जो कि शाम का नज़ारा और सुबह का नज़ारा में आप अंदर देख सकते हैं। शाम में यहाँ सिर्फ आदमियों का ही भीड़ दिखता है और अभी आप देख सकते हैं कोई नहीं दिख रहा है। और रावत हमारा इंतज़ार कर रहा है अक्षरधाम टेम्पल के पास, तो मैं उससे वहीं पे जाकर मिलने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग दोनों साथ में चलेंगे वहाँ से थ्रॉटल कैफे। और कल मैंने अपने बाइक पे लगवाया है HJG का मोबाइल माउंट। ये थोड़ा बहुत लूज हो रहा है और एक और मॉडिफिकेशन हुई है मेरे बाइक पे, वो है ऑक्सिलरी लाइट्स का, और वो भी मैंने HJG का ही लगवाया है। कभी वो मैं वैसे रेयरली यूज़ करता हूँ, जब सामने से कोई हाई बीम पे आ रहा हो तो आगे देखने के लिए। सिटी में तो मैं हाई बीम पे भी नहीं चलता हूँ, और आप लोग भी अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को भी हाईवे पे। और रावत आ गया और हम लोग निकल गए थ्रॉटल श्रॉटल कैफे के लिए। और यहाँ से वो 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और टाइमिंग दिखा रहा 47 मिनट। आज बाइकर्स बहुत कम दिख रहे हैं रोड पे। मेरे इंटरकॉम में आवाज़ बहुत ही गंदा आ रहा है। रावत जब भी कॉल कर रहा है लगता है उस दिन भीग जाने से इंटरकॉम में प्रॉब्लम आ गया। एक चीज़ खरीदो और एक चीज़ ख़राब। और कम ट्रैफिक में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है, वरना ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी हाथी को खींच रहे हैं। मज़ा आ रहा है आज, ये हुआ मज़ा आ रहा है आज, ये हुआ संडे राइड। ओ भाई साहब, यहाँ ये आप देख सकते हैं बाइकर्स जंक्शन, बाइकर्स भरे भरे पड़े हुए हैं। ओ भाई क्या बात है, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर लग सकता है बाइकर्स को मंडी है ये। अब लग रहा है ये संडे है।
और ये हम लोग पहुँच गए थ्रोटल थ्रोटल, लेकिन यहाँ बड़ा कंजेस्टेड एरिया दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से अपना लोकेशन चेंज कर कर जा रहे हैं डक्स एंड डॉग। और एक बैड न्यूज हमारे साथ, एक अभी रावत भाई का पीछे का टायर पंचर हो गया। अगर आगे वो पंक्चर बनाने वाला होगा तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो फिर हमारी मॉर्निंग राइड का तो बैंड बज गया। भैया पंक्चर बन जाएगा, पूछ रहा हूँ, रुक जा। भाई पंचर बन जाएगा? ट्यूबलेस टायर है? नहीं यार, जिसका ट्यूबलेस टायर रहता तो मैं बना देता, ट्यूब वाला टायर। ट्यूब नहीं, चाबी पाना मेरे पास नहीं। ओहो, एक और पंचर बनाने वाला मिला भाई, लेकिन वो क्या कर रहा है कि डिस्क वाले व्हील को मैं नहीं खोलूंगा। भाई पंच, हेलो भैया, पंचर बन जाएगा? ट्यूब टायर है, ट्यूब टायर है। किसने भी मना कर दिया भाई, ये भी बोल रहा है यहाँ नहीं हो पाएगा, आगे जाओ। अरे यार, हम लोगों को लगा कि सही जगह पे आ गए हैं, चाय वाय पीते पीते तब तक वो बन जाएगा पंचर। अरे रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है इतना दूर। अब साथ में आए यार, तो संडे का, संडे तो मंडे भी हो जाएगा। आगे BMW है, वहीं चले पंचर बनाने। कौन बनाएगा पंचर, कौन बनाएगा? ये आठवां पंचर का दुकान है, एक आखिरी होप। अगर ये ना बोल दिया तो हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा रावत की बाइक को। बना दे यार, कैसे भी खोल के बना दे भाई, यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं। यहाँ उम्मीद है कि नहीं? नहीं, यहाँ भी नहीं। क्यों भाई, ये लोग क्यों नहीं बनाना चाह रहे? पाना नहीं हुआ है, पाना उठाने वाला, पाना उठाने वाला, फूल फल करने वाला है ना, इसको मेरे को मालूम ना, फूल फलने वाला ना, वो वाला है, डिश वाला है। अरे आठवीं जगह, निराशा हाथ आई है। रावत भाई क्या बोलना चाहोगे आज के दिन के लिए? आज फुल एडवेंचर हो रहा है। नहीं नहीं, ये ट्यूब वाले टायर के लिए यही प्रॉब्लम है ना, इसमें ट्यूब वाले में यही प्रॉब्लम होती है, हर जगह नहीं मिलता। उठा के खोल कर रख दें? हाँ, मैं तो कहता हूँ नया दे दो मुझे कोई, आरी की बाइक दे दो। आरी में कौन सा ट्यूबलेस है? GT है। GT तो बोझ है यार। अब क्या करें, देखते हैं। हो गई अपनी राइड भाई, ये लोग सीधा हाथ खड़ा कर दिए कि भाई खुल गया तो फिट नहीं हो पाएगा, कंपनी वाले को कॉल करो।
अब रावत आज अफसोस कर रहा है, काश ये ट्यूबलेस होता। हर हर कोई आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, टालते गए और हम लोग लास्ट ऑप्शन के पास आ गए और यहाँ भी हम लोगों को निराशा हाथ आई। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें और जाना भी है बहुत दूर। और हम लोग 5:30 से राइड कर रहे हैं 5:30 AM और अभी तक हम लोग कैफे नहीं पहुंच पाए। उसका रीज़न ये है, लगभग 10 से 12 दुकान पूछने के बाद 10-12 पंचर वाले बोले ना ये ना खुल पाएगा, और खुल गया तो ये फिर फिक्स नहीं हो पाएगा। फाइनली हम लोगों को ये मिला। और अपना संडे का कैसे चल रहा है? बस चल रहा है, पहुँच नहीं पा रहे भाई। ये चल रहा है, ये संडे राइड है अपना। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, ये तो पूछना पड़ेगा हीरो वाले से। बोलो कि भाई मेरा जो टायर है ना वो ट्यूबलेस कर दे। और फाइनली रावत के बाइक का पंचर फिक्स हो गया और रुक गया और हम लोग निकल गए। अब हम लोग सीधा जा रहे हैं करोल बाग। कोई संडे राइड नहीं, संडे राइड अपना यही था। रावत आराम से, शानदार रोड मिल रहा था, रावत उड़ा रहा है बाइक को। जब हम लोग करोल बाग पहुंच गए तो रावत क्या बता रहा है कि संडे को बंद होता है। अरे भाई, और ये है हमारा किस्मत, संडे राइड। गुड़गांव डक्स एंड डॉग का प्लान था। पहले हम लोग हैं थ्रॉटल एंड शॉटल, वहाँ अच्छा नहीं लगा, फिर निकलने वाले थे डक्सन डॉग की ओर। रास्ते में रावत की बाइक का टायर पंचर, इसको बनवाने में 10 दुकान घूमना पड़ा। उसके बाद वो बनवाने के बाद टाइम हो गया, 9 बज गया। 9 बजने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया अब सीधा चलते हैं करोल बाग। इसके जैकेट्स पे कुछ स्क्रैचेज आए हुए हैं उसको सही करवाने के लिए। जब हम लोग करोल बाग पहुँचे तब पता चला कि आज बंद रहता है। फिर वहाँ से हम लोग सीधा अपने घर की ओर जा रहे थे तो रुक कर यहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर। अब अगले संडे राइड फिर से शुरू करेंगे, ठीक ना? हाँ अगला संडे राइड फिर से शुरू करेंगे। हम तो राइड के लिए राइड हो गए। बस पर राइड भी हो गया, एडवेंचर भी हो गया। एडवेंचर तो पूरा हुआ, पंचर वाले दुकान ढूंढते ढूंढते वहाँ उसी का तो नतीजा हुआ। और गर्मी झेलते झेलते अब झेलना पड़ रहा है दिल्ली का ट्रैफिक। और आज का संडे राइड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और समय आ गया है रावत को अलविदा कहने का। रावत चला जाएगा अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और इन्हीं कुछ सुनहरे पलों के साथ आज का संडे राइड यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले संडे को अगले राइड पे। तब तक के लिए बाय।